हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्सिट सेवी। तो आज के वीडियो में मैं ये वाला प्लेन बना रहा हूँ। वाला मॉडल बहुत अच्छे से फ्लाई करता है और बहुत ही स्टेबली फ्लाई करता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात इस मॉडल का। मॉडल का यहाँ से विंग का जो डिस्टेंस है वो लगभग 14 इंच है। आप चाहे तो 14 इंच से 16 इंच के बीच कोई भी जगह पे विंग को माउंट कर सकते हैं आपके सीजी हिसाब से। और इस विंग को माउंट करने के लिए मैंने यहाँ पे बैम्बू स्टिक लगाया है। तो बैम्बू स्टिक लगा के मैंने रबर बैंड से इसको इस विंग से अटैच किया है। तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्या होता है प्लेन को कैरी करने में बहुत आसानी होता है। तो चलिए इसको मॉडल को बनाना शुरू करते हैं। पहले इस थर्मोकोल शीट के पहले का पार्ट को मार्किंग कर रहा हूँ। मार्किंग करके कट कर लूँगा। और इस थर्मोकोल शीट का साइज़ है 14 इंच बाई 6 इंच और इसका थिकनेस है 2 इंच। मैंने ऐसा 2 थर्मोकोल शीट ले लिया है। इन दोनों को एक साथ जुड़ दूँगा। और इस बार प्लेन में फिश बॉक्स से नहीं बना रहा हूँ। मैंने ये वाला थर्मोकोल पीस एक टीवी फ्रिज के दुकान से मैनेज किया था। मैंने जो सामने मार्किंग किया था उसका एग्जैक्ट कोई नाप नहीं है। आप अपने हिसाब से लेकर ले सकते हैं अपने मॉडल के हिसाब से। इस प्लेन को अच्छे से लुक देने के लिए मैं सामने से थोड़ा मार्किंग कर रहा हूँ। मार्किंग करके इन जगह ये जगह कट कर दूँगा। अब मैं लैंडिंग गियर लगाने के लिए जगह मार्क कर रहा हूँ। और ये वाला जो गैप है छोटा छोटा, इस गैप को मैं और थर्मोकोल शीट से फिलअप कर दूंगा। और इसका लैंडिंग गियर लगेगा प्लेन के एकदम मिडिल में। यहाँ पे मैं 1 इंच करके ले रहा हूँ साइड से थोड़ा कट करने के लिए। इससे प्लेन का लुक्स और भी अच्छा हो जाएगा। लैंडिंग गियर लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 इंच छोड़ दिया है मिडिल में। यहाँ पे भी 1 इंच करके ले रहा हूँ कट करने के लिए। और इसको कट करने के बाद अच्छे से सैंडिंग करके और भी स्मूथ कर दूंगा। अब मैं इसका विंग बना रहा हूँ। इस प्लेन का विंग स्पैन है 52 इंच। मैं यहाँ पे 16 इंच बाई 8 इंच का थर्मोकोल पीस कट कर रहा हूँ। ऐसा 16 इंच बाई 8 इंच का 2 थर्मोकोल शीट कट होगा और 10 इंच बाई 8 इंच का 2 थर्मोकोल शीट कट होगा। ऐसे ही हमारा पूरा विंग बनकर रेडी होगा। यहाँ पे मैं 10 इंच बाई 8 इंच का थर्मोकोल शीट कट कर रहा हूँ।
इसको एयरफॉयल शेप देने के लिए मैंने एल्यूमिनियम का दो शीट ले लिया है। इसका साइज है 8 इंच और इसका थिकनेस है, मतलब हाइस्ट थिकनेस है 1 इंच और ये इसके 1/3 पे है सामने से। मैंने इन दोनों को इस थर्मोकोल शीट के दोनों साइड पे लगा दिया है। अब इससे मैं अच्छे से कट कर दूंगा हॉट वायर कटर से। एयरफॉयल शेप कटिंग कंप्लीट। अब मैं इन चारों को अच्छे से जोड़ दूंगा। अब इस विंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने मिडिल से थर्मोकोल को कट कर लिया है। यहाँ पे मैं एक एल्युमिनियम का रॉड दे दूंगा। अब मोटर माउंट करने के लिए मैंने दो थर्मोकोल पीस ले लिया है। ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब मैं इन दोनों को विंग के साथ लगाने के लिए 8 इंच मार्क कर रहा हूँ, दोनों साइड नहीं, मिडिल से 8 इंच होगा। मैंने इसमें मोटर माउंट कर दिया। अब मैं इसको और भी ज़्यादा सुंदर लगने के लिए एक और थर्मोकोल पीस लगा रहा हूँ। मैंने वो थर्मोकोल पीस लगा के इसको सैंडिंग कर दिया अच्छे से। यहाँ पे मैं सर्वो लगाने के लिए जगह बना रहा हूँ और इसका एलेरॉन का साइज है 14 इंच बाई 1/2 इंच का। दोनों एलेरॉन सेम है। हॉरिजॉन्टल स्टेबिलाइजर का साइज है 18 इंच बाई 6 इंच। यहाँ पे मैं सामने से पूरा कट कर रहा हूँ थोड़ा अच्छा लुक देने के लिए। एलिवेटर का साइज है 4 सेंटीमीटर बाई 18 इंच। इसको मूव करने के लिए मैं यहाँ पर हिंज बना रहा हूँ। वर्टिकल स्टेबिलाइजर का साइज है 8 इंच बाई 6 इंच। इसमें रडर का साइज है 8 इंच बाई 4 सेंटीमीटर। ये जो पार्ट कट कर रहा हूँ ये ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते। अब मैं रडर और एलिवेटर को जोड़ दूंगा। सब कुछ जुड़ने के बाद और कलर करने के बाद पेन कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना। थैंक यू गाइस।